तो मैं राजू स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी चेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट में। आज के एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग एक छोटा सा सिंपल ही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिसमें हम बताने वाले हैं कि TDS कितना होना चाहिए पानी के अंदर। सभी मित्रों के घर में, सभी दोस्तों के घर में RO लगा ही होगा और सभी लोग पानी को पीते हैं। पानी के अंदर कितना TDS होना चाहिए, कितने मिनरल्स की मात्रा होनी चाहिए, उसको हम दर्शाने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कितना TDS का पानी आप लोगों को पीना चाहिए और RO का TDS कितना होना चाहिए, RO के अंदर कितने प्रकार के मिनरल होते हैं, कुछ इस तरह की बातें जो भी है मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी हो सके शेयर करें, ताकि ज्यादातर लोगों को ये पता लग सके कितने TDS का पानी उन्हें पीना चाहिए। कुछ लोग कम TDS का पानी पी लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा TDS का पानी पी लेते हैं। ज्यादा कम TDS का पानी पीने की वजह से जोड़ों में, घुटनों में, हड्डियों में पेन भी होता है, तो डॉक्टर भी क्या कितने TDS का पानी रिकमेंड करते हैं और किस एज के इंसान को कितने TDS का पानी पीना चाहिए, मैं सब कुछ पूरी क्लियरिटी में आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और एक पानी का pH कैसे चेक करते हैं और पानी का TDS कैसे चेक करते हैं, ये भी मैं आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो में, पूरी वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर जरूर करें। अगर शेयर करेंगे तो औरों को भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से पानी का TDS को हम चेक कर सकते हैं और पानी के अंदर pH कितना होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे मेरे पास चार तरह के पानी के सैंपल हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक बोतल है, एक बोतल ये है। सब बोतलों में अलग अलग वाटर है। तो और यहाँ पे कुछ ग्लास भी रखे हुए हैं, जिसमें से एक डिजिटल वाटर है, एक ग्राउंड वाटर है, एक कॉरपोरेशन वाटर है और एक RO वाटर है। तो अब मैं सभी को, जितने भी ग्लासेस में है, सब में पानी डालूंगा। पानी को TDS एक करके आपको बताता रहूंगा कितना पानी किस TDS का है। और दूसरी बात, फिर मैं आपको pH पेपर से pH भी बताऊंगा किस पानी का कितना pH है और कितना pH का पानी आपको पीना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं फटाफट से पानी निकाल लेता हूँ। तो अब हम एक एक का TDS को चेक करने वाले हैं कि किसका TDS कितना है। तो सबसे पहले हम डिजिटल वाटर का TDS को चेक करेंगे। ये डिजिटल वाटर है और इसका जो है TDS दिखा रहा है सिर्फ चार। ये चार से TDS का पानी है जो डिजिटल वाटर है, ठीक है। और इसके बाद में ये हमारा ये वाला जो है ग्राउंड वाटर है, तो हम ग्राउंड वाटर का देखते हैं TDS। इसका TDS दिखा रहा है 619, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं सरकारी पानी पे, कॉरपोरेशन वाले पानी पे। तो ये कॉरपोरेशन वाले पानी का TDS है 112, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ये RO वाले पानी पे। ये है RO का पानी, इसका TDS है 32, ठीक है। तो अब हम pH मीटर की सहायता से, pH पेपर की सहायता से इसका pH को पता करने वाले हैं कि किस पानी का कितना pH आ रहा है। तो ये pH पेपर है, इसमें आप कलर देख सकते हैं, सारे कलर इसके अंदर रहेंगे। और ये इसमें से मैंने चार पेपर निकाल लिए हैं। अब चारों पेपर को मैं वन बाई वन करके इसके अंदर ड्रॉप करने वाला हूँ और बाहर रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं डिजिटल वाटर में, मैंने इसको ड्रॉप करा, पेपर को ड्रॉप करके यहाँ पे रख दिया है। अब मैं ग्राउंड वाटर के साथ में इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, और ग्राउंड वाटर के साथ में ड्रॉप करा पेपर को और यहाँ पे रख दिया है। अब मैं कॉरपोरेशन वाटर के साथ में इस पेपर को ड्रॉप करता हूँ और इस पूरे पेपर को यहाँ पे मैं रख देता हूँ। और अब इस लास्ट वाले पेपर को RO वाटर के साथ ड्रॉप करके यहाँ पे रख देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे पास में तीन तरह के वाटर हैं, जैसे कि पहला डिजिटल वाटर है, दूसरा ग्राउंड वाटर है, तीसरा कॉरपोरेशन वाटर है और चौथा हमारा RO वाटर है। तो यहाँ पे हमारे पास मीटर भी जो है, पेपर का रंग कैसा बदलना चाहिए ये भी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डिजिटल वाटर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, यानी कि जैसा पेपर का कलर था वैसा ही ग्राउंड वाटर रह गया। ग्राउंड वाटर ने कोई परिवर्तन नहीं करा, कोई कलर नहीं बदला। ये ग्राउंड वाटर है और ये पेपर है जो हमने इसके अंदर भिगोया था, सेम टू सेम वैसा का वैसे ही रह गया।
दूसरा हम आते हैं ग्राउंड वाटर पे। ग्राउंड वाटर ने बिल्कुल ग्रीन, डार्क ग्रीन छोड़ा हुआ है, यानी कि नो नो इसमें नो पीएच दिखा रहा है ग्राउंड वाटर का, नो पीएच ग्राउंड वाटर का दिखा रहा है, और 7 पीएच दिखा रहा है आपका आरओ वाटर का, और 6 पीएच दिखा रहा है आपका कॉरपोरेशन वाटर का। तो ये जितने भी पानी हैं ये कॉरपोरेशन का वाटर भी पीने योग्य है और आरओ का वाटर भी पीने योग्य है, बट मैं आरओ को आरओ का पानी जो है आपको 32, 30, 50 या 40, 45 या 50, 60, 70 के आसपास जो आरओ का वाटर होता है वो आप पी सकते हैं, बट मैं ज़्यादा मस्ट प्रेफर आपको करूँगा 100 TDS का पानी पीने के लिए। ये वाला वाटर जैसे कि डिजिटल वाटर के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है, यानी कि अगर TDS आपके आरओ का 10 से नीचे है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप वो पानी बिल्कुल ना पिए। और यदि आपका ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन है मतलब 50 या 55 से ऊपर है, तो आप उस पानी को पी सकते हैं। आपका ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन है मतलब 50 या 55 से ऊपर है, तो आप उस पानी को पी सकते हैं। सारा का सारा आपके सामने ही है, दूध का दूध पानी का पानी, हर पानी के बारे में यहाँ पे पूरा साफ हो गया है कि कौन सा पानी आपको पीना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा पूरी वीडियो के अंदर हमने किस तरह से आपको वाटर के बारे में बताया कि कितने TDS का वाटर कौन सा है, और हमने pH भी आपको दिखाया कि किस पानी का कितना pH आ रहा है। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कितने TDS का पानी आपको पीना चाहिए, और pH मीटर भी दिखा रहा था कि किस तरह का पानी आपको पीना चाहिए। मैं आपको कहूँगा ज़्यादा हाईएस्ट TDS का पानी आप लोग ना पिए, ताकि वो नुकसानदेह होता है। 600, 650 तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे बहुत सारे खनिज होते हैं, सल्फर होती है, सोडियम होती है, पोटेशियम होती है, जिंक होती है, आयरन होती है, तो ये सब हमें ज़्यादातर मात्रा में वाटर से ही मिलता है। तो जो हम पानी पीते हैं उस पानी के अंदर अगर TDS 200-250 है तो आप पी सकते हैं। मोस्ट प्रेफर करूंगा 200-250 तक TDS का पानी आप बेझिझक पिए, वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, यदि आपको मीठा पानी फिर भी पीना है तो आप 50 से नीचे TDS का पानी बिल्कुल भी ना पिए, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होता है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। आपको अगर TDS अगर आपके घर में आरओ लगा भी है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 60 से ऊपर का TDS का पानी लें, और जितने भी आरओ जिनके भी आरओ लगे हैं सब अपने अपने आरओ का TDS को चेक कराएं, और उनको अपने आरओ वालों को रिकमेंड करें कि उनको बोलें कि भाई हमारे जो आरओ का TDS है वो 60 से ऊपर रहना चाहिए और 250 के नीचे रहना चाहिए, तभी आपका आरओ बेस्ट आपको वाटर देगा। और कॉरपोरेशन का वाटर मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा हर चीज़ को पीने के लिए। सरकार जो हमें वाटर प्रोवाइड कराती है उसमें आप एक फिल्टर को लगाएं, ज़रूरी नहीं आप आरओ लगाएं, फिल्टर लगाएं, फिल्टर से फिल्टर किया गया पानी कॉरपोरेशन का पिए, वो शरीर के लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया हो कितने TDS का पानी आपको पीना चाहिए। मैं आपको एक नंबर नहीं बताऊंगा, क्योंकि कभी भी किसी के भी आरओ में एक नंबर का TDS पानी नहीं आएगा, यानी कि अगर किसी के आरओ में 60 TDS का पानी आ जा रहा है तो कल ऐसा नहीं है कि कल उसके आरओ में 60 TDS का ही पानी आएगा, कल उसके आरओ में TDS ड्रॉप भी हो सकता है और TDS बढ़ भी सकता है, यानी कि TDS उसका 70-80 भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ऐसा होने का भी एक कारण होता है, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, उसके बारे में जानकारी आपको जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, TDS अप डाउन क्यों हो जाता है आरओ के अंदर। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नई जानकारी के साथ में और एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ में मुलाकात करते हैं।